अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां खनिज अधिकारी के संरक्षण में रेत माफिया कंपनी पर जेसीबी पोकलैंड मशीनों से नर्मदा नदी का सीना छन्नी किया जा रहा है। बताया जाता है कि राजस्व खनिज विभाग की साठगांठ से रोज सैकड़ों डंफर नर्मदा नदी से रेत निकाली जाती है। नर्मदा में मशीनों से अवैध रेत खनन कर रेत माफिया पावर में कंपनी सैकड़ों डंफर रेत महंगे दामों में बेचकर क्रेताओं का शोषण कर रही है। छीपा ने नर्मदा घाट पर रेत माफियाओं की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा नदी का सीना छलनी हो रहा है एवं रेत माफिया सरकार के नियम कानून कायदे ताक पर रखकर मशीनें चलवा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रेत माफियाओं में जमकर गाली गलौज और ग्रामीण का चैलेंज है कि अब कोई नर्मदा नदी में मशीन चला कर बताए। तुमको तुम्हारी बहन बोलो हेलो कौन है चला खदान तुम्हारी बहन चला का बताओ कौन धंधा है तुम्हारी माँ आओ हेलो कौन आ रो आप बहन टकला कौन कौन धंधा रह जा तुम्हारी माँ कलेक्टर के फोन लगा उनकी बहन का चौधरी चुप किया था मैं कौन आ रहा तुम्हारी बहन की कितना आप रंगा चला का बताओ आज से खनान तुम्हारी बहन के चुप रहे थे बोली टकला फटला कौन हो की बाइक है तो आ जाएगा मैताब भैताब तुम्हारी बहन की थाली तो बहन बहन की तुम लेंडर का कंपनी वाला हमका झूठ मन लेंडर एक मशीन भी उतर जा बहन की राघुदासपुर मंगल की वो कहा कहता उतार का बता झूठ मन लेंडर की तो बता तो आज ये मैं तो बाबू तुमको तुम्हारी बहन बोलो हेलो कौन है चला खदान तुम्हारी बहन चला का बताओ कौन धंधा है तुम्हारी माँ आओ हेलो कौन आ रो आप बहन टकला कौन कौन धंधा रह जा तुम्हारी माँ कलेक्टर के फोन लगा उनकी बहन का चौधरी चुप किया था मैं कौन आ रहा तुम्हारी बहन की कितना आप रंगा चला का बताओ आज से खनान तुम्हारी बहन के चुप रहे थे बोली टकला फटला कौन हो की बाइक है तो आ जाएगा मैताब भैताब तुम्हारी बहन की थाली तो बहन बहन की तुम लेंडर का कंपनी वाला हमका झूठ मन लेंडर एक मशीन